600 मीटर का सही भागने का तरीका आपके सामने भाई, और आपने बहुत सारी जानकारी देवांगी कि वो रेस किस प्रकार से पेस के अंदर भाग सकते हैं, किस हिसाब की टाइमिंग से भाग सकते हैं। तो ये 600 मीटर थी अपने सुनील कुमार की भाई तीसरी रेपटेशन थी, जिसके अंदर सुनील ने रेपटेशन शुरू कर दी थी अपनी 600 मीटर। इसको टाइमिंग जो थी वो बताया गया था कि आपने 1:24 की 600 लगानी है, और जो आपकी हर एक 100 मीटर होगी वो 14 सेकंड की होगी। तो प्रॉपर विसल के साथ में भाई मैं इसमें विसल देने लग रहा हूँ और ये भागने लग रहा है लगभग 28 सेकंड करीबन से, थोड़ी तेज़ 200 मीटर रही है। और आपका सामने रिदम तो दिखने लग रहा है, उसी सेम पेस तो भागने लग रहा है, क्योंकि 600 मीटर 400 मीटर 800 मीटर 1500 मीटर ये सारी की सारी रेस भाई रिदम की रेस होया कर है। इनके अंदर रिदम आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते, रिदम का आप जब सीख सकते हो जब आपको लंबे समय हो जाएगी, 3-4 साल अपनी ज़िंदगी के अपने गेम को दिए हैं, जब आपको थोड़ा पेस का तरीका आ जाएगा कि आपको अगर विसल भी ना हो तो भी आप समझ जाओगे कि भाई हमारी बॉडी इस लाइन के अंदर चलने लग रही है, इतनी टाइमिंग वाली है, मैं 100 मीटर लेके निकल चुका हूँ ग्राउंड से। तो लगभग भाई इसकी 600 मीटर कंप्लीट होने वाली है, 500 मीटर इसने कंप्लीट कर दी है। लास्ट की जो रेस होती है उसके अंदर पुश की रेस होती है, चाहे कोई रेपटेशन हो चाहे रेस हो, हर एक के अंदर पुश करते जाओ अपनी इम्प्रूवमेंट जब भी पाओगे आप। जैसे ज़मीन को धकेलना, ज़मीन से पंजे का पुश लगा के आगे की तरफ फेंकना, और 1:24 की इसने 600 कंप्लीट कर दी है। मनजीत कोच ने इसका मनोबल बढ़ा दिया भाई, क्योंकि टाइमिंग जो था वो बहुत खुश करने वाला टाइमिंग था, 1:26 का टारगेट था, 1:24 की लगा दी अच्छी टाइमिंग के साथ में। सुनील कुमार ने वर्कआउट पूरा किया भाई।